इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पिम्स अस्पताल को नोटिस, अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल पेश करने का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी कमेटी में पोस्टमार्टम करने वाली टीम और मुतल्लिका हुकाम के बयानात भी रिकॉर्ड। कैमरामैन ने तस्वीर की तस्दीक कर दी। कमेटी को बताया तस्वीर खींचकर कैमरा पोस्टमार्टम टीम के सरबराह के हवाले कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पिम्स अस्पताल को नोटिस, अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल पेश करने का हुक्म। पिम्स अस्पताल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस मिल गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल जमा कराई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाने के बाद कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। अरशद शरीफ के जिस्म पर 12 निशानात मौजूद थे। पिम्स में अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम के दौरान खींची गई तस्वीर लीक करने की तहकीकात। इंक्वायरी कमेटी ने पोस्टमार्टम कराने वाली टीम और मुतालका हुक्काम के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। कमेटी को बताया गया पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल बोर्ड को मोबाइल फोन्स अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं थी। हाई प्रोफाइल केस होने के बायस तस्वीर DSLR पर ली गई। तस्वीर लेने वाले कैमरामैन ने तस्वीर की तस्दीक की और बताया कि कुछ तस्वीर वही हैं जो कैमरे से ली गई। तस्वीर बनाने के बाद कैमरा बोर्ड के सरबरा के हवाले कर दिया गया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। एक फैमिली मार्च है, हकीकी आजादी मार्च जो है जीजी रोड पर रवा दवा है। बोलने की हक और सच की बात। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। बोल को वेलकम देना, आजादी मार्च के लिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च है जो जबरदस्त कर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।